टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। होली रंगों का पर्व आज बड़ी धूमधाम से पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। इसी तरह से मुंब्रा में भी आज बड़ी ही धूमधाम से होली का ये पर्व मनाया जा रहा है। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, जवान सभी होली के रंग में रंगे हुए हैं। हालांकि सरकार ने होली की भी कुछ गाइडलाइंस जरूर जारी की है, मगर इसके बावजूद करीब 2 साल बाद अब लोगों को एक बेहतर तरीके से होली का यह त्यौहार मनाने को मिला है। मुंब्रा के शंकर मंदिर, बाबा जी पाटिल वाड़ी, शिवाजी नगर, अन्य इलाकों में लोग शिकवे गिले भूल कर एक दूसरे के साथ रंग गुलाल लगाते हुए नजर आए। 2 साल जो गया ना, इतना बेकार गया कि होली का कोई त्यौहार समझ में नहीं आता था कि क्या हम कर रहे हैं, हमारा त्यौहार है भी या नहीं है। लेकिन होली ऐसा एक त्यौहार है कि जो हम अपने दुश्मन को भी गले लगा के उसके साथ मनाते हैं, मतलब भाईचारे की तरह दुश्मनी भी खत्म हो जाती है। इस तरह इतना पवित्र है पर्व है, बहुत बड़ा पर्व है होली हमारा। आज होली भी है और अच्छी बात है कि हमारे जो मुसलमान भाई है उनका भी त्यौहार है सबे बरात। तो मैं बहुत यही सबसे अपील करूंगा कि दोनों जन मिल के ये त्यौहार को बहुत अच्छे से मनाना चाहिए, भाईचारे के साथ एकदम अच्छे से रहना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम सोनू पवार है और ये हम लोग बजरंग दल के कार्यकर्ता है। यहाँ पूरी बजरंग दल की टीम है। हम लोग ने सब जगह होली का आज मतलब त्यौहार है, होली का रात में दहन किया है, सबको आमंत्रण दिया है। और होली ये हर साल उत्सव से मनाया जाता है। पिछले 2 साल से कोरोना की महामारी से प्रशासन के और पुलिस सहकार्य से उनको थोड़ा सहकार्य किया, उनका प्रशासन से ये किया, तो उनके लिए हमने होली नहीं बनाया था। पिछले 2 साल से हमने होली रद्द किया था, तो ये साल प्रशासन ने खुद परमिशन दिया है, हाईकोर्ट ने भी दिया है, सरकार ने भी परमिशन दिया है, होली खेलो। और आज अपना जुम्मा है तो हम सब लोग भाईचारा निभा के सब लोग के साथ में जिनको रंग लगाना है उसी को रंग लगाते हैं, जो नहीं बोल रहा उसी को रंग नहीं लगाते हैं। बस इतनी बात कहना चाहता हूँ। और 21 मार्च को अपना शिव जयंती है, तिथि अनुसार पालकी भी निकलने वाली है, तो सभी लोग आइए। जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र। चलो बम बम करत पिचकारी बा, होली में सूचना जारी बा, हैप्पी होली। सभी देशवासियों को, भारतवासियों को सबसे अभिनंदन करता हूँ होली का, शुभकामनाएं देता हूँ मैं अपने फैमिली की तरफ से सबको, सभी देशवासियों को। और होली हमारा एक बहुत महत्व पर्व है, बहुत बड़ा त्यौहार है हम उत्तर भारतीयों का। और होली के दिन सभी खुशियाँ मनाते हैं, एक दूसरे से गले मिलते हैं, सबके घर पे जाके मिलते हैं, बड़े लोगों को उनका पैर छूते हैं, आशीर्वाद लेते हैं और गुलाल से उनको टीका लगाते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं।